हीरो मोटोकॉर्प हमारे भारत देश की एक लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है, जिसने अब तक 10 करोड़ से अधिक टू व्हीलर्स बाइक को सेल कर चुकी है और हीरो ने टू व्हीलर इंडस्ट्री के लगभग 37.1% मार्केट को अकेले कैप्चर कर रखा है, जिसकी शुरुआत ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी ने और उनके तीन भाइयों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और आज के समय में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के मालिक ब्रिज मोहन लाल जी के बेटे पवन मुंजाल जी हैं। आज इनकी मदद से हीरो की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू लगभग 526.73 बिलियन इंडियन रुपीज की हो गई है। और तो और, हीरो मोटोकॉर्प हमारे भारत देश की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जिसकी शुरुआत एक जापानी कंपनी होंडा के साथ मिलकर किया गया था और आज यह दोनों कंपनियां अलग हो चुकी हैं। तो अगर आप और भी ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने हीरो की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया है कि एक्चुअल में हीरो कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो अब हम वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो यह है कि एक्चुअल में हीरो पैसे कैसे कमाता है और हीरो की कितनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हीरो अपने 10 करोड़ बाइक से ज्यादा आज सेल कर चुका है। इससे यह पता चलता है कि हीरो अपने इनकम जनरेट करने के लिए अपने बिजनेस में सेल्स को पहले जनरेट करता है। जब तक सेल्स जनरेट नहीं होगा तब तक इनकम नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में अगर सेल्स नहीं जनरेट होंगे तो वहाँ पे इनकम नहीं हो सकता। तो आज हम हीरो की सभी सब्सिडरीज, मतलब कि इनकी जितनी भी कंपनियाँ हैं, उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। वैसे इनकी टोटल 8 कंपनियाँ हैं, जैसे HMCL नीदरलैंड BV, HMCL MM ऑटो लिमिटेड, हीरो टेक सेंटर जर्मनी GmbH, हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, HMCL NA मतलब नॉर्थ अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, HMCL अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, HMCL कोलंबिया SAS, HMC MM ऑटो लिमिटेड, हीरो इको व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। आइए हम एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है HMCL नीदरलैंड BV। यह कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की एक सब्सिडियरी कंपनी है और आज के समय में इस कंपनी के 68% स्टेक हीरो मोटोकॉर्प के पास है। और यह कंपनी आज के समय में कोलंबिया में टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये अपने और भी दो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, एक बांग्लादेश की कंपनी, एक कोलंबिया की कंपनी, और हीरो यहाँ से भी अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है। नेक्स्ट कंपनी है HMCL MM ऑटो लिमिटेड, यह भी एक हीरो मोटोकॉर्प की एक सब्सिडियरी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और सब असेंबलीज जैसे प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके उसको सेल करती है और यह कंपनी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला है हीरो टेक सेंटर जर्मनी GmbH। इस कंपनी के अंदर हीरो अपने टू व्हीलर्स बाइक की और उसकी कंपोनेंट की डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए इसको ओपन किया गया है जो कि जर्मनी में है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में 79.90 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था और यहां से भी हीरो अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करता है। अगला है हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। यह हीरो की एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है। बेसिकली यह जो कंपनी है यह पावर प्रोड्यूसर का काम करती है, ठीक है ना। इस कंपनी के अंदर भी कई ढेर सारी सब्सिडरीज काम करती हैं, जैसे कि हीरो विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड जैसी जो कंपनीज है वो इसके अंदर काम करती हैं। अगला है HMCL NA इनकॉर्पोरेशन। NA का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन। इस कंपनी को ओपन करने से पहले हीरो ने यह प्लान बनाया था कि वह एक अमेरिकन कंपनी एरिक बुल रेसिंग कंपनी के साथ मिलकर बाइक को मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करेंगे, लेकिन EBR बैंक्रप्ट होने के कगार पर आ चुका था। तब हीरो कंपनी ने EBR को एक्वायर कर लिया और अब नॉर्थ अमेरिका में हीरो अपनी बाइक्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करता है। लेकिन इस एग्रीमेंट को सेटलमेंट करने के लिए हीरो की एक और कंपनी बनी जिसका नाम था HMCL अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज, जिसने एरिक बुल रेसिंग के सभी बिजनेसेस को एक्वायर कर लिया था, जिसमें EBR के कंसल्टिंग बिजनेस भी आता है। और यहाँ पर इनके सभी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स हीरो कंपनी एक्वायर कर लिया और यहाँ से आज के समय में बाइक मैन्युफैक्चर करके सेल किया जाता है, यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होती है। अगला है HMCL कोलंबिया SAS, मतलब जिसे हम HMCLC के नाम से जानते हैं। HMCLC को कोलंबिया में HNBV, जिसे हम हीरो मोटर्स नीदरलैंड BV के नाम से जानते हैं, उसके और वोवेन होल्डिंग LLC के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस के रूप में इसको शुरू किया गया था, मतलब ये शामिल किया गया था। और आज HNBV के पास लगभग
HMCLC मतलब इस कंपनी के लगभग 68% की स्टेक है और वहीं वोवेन होल्डिंग के पास इस कंपनी के 32% की स्टेक है। और साथ ही साथ यह जो कंपनी है HMCLC यह कोलंबिया में अपने टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करता है। पिछले साल इसने 230.65 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। अब अगला है HMCMM ऑटो लिमिटेड, जिसे हम HMCMMA के नाम से जानते हैं। यह कंपनी हीरो मोटर कॉर्प की एक सब्सिडियरी है जो कि ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करके उसे सेल करती है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और भी जो ऑटो पार्ट्स हैं उसको यह मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, जिसने पिछले साल 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 458.46 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। नेक्स्ट है हीरो इको व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर कई प्रकार के प्रोडक्ट्स जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं और उसको सेल किया जाता है। इसमें जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं, एक्सपोर्ट्स आता है, बाइसाइकल्स आता है, हेल्थ केयर आता है और रियल इस्टेट जैसे जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो इस सेक्टर में इनको प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ से वो अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और यही इनके 8 ऐसे सब्सिडरीज हैं जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और इनकी एसोसिएट बिजनेस है जिसको हम हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यह कंपनी कई प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर आपको बाइक लेना है तो आप टू व्हीलर्स के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं और अगर आपको कमर्शियल लोन भी चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं और भी ऐसे कई सारे अगर क्रेडिट्स चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं। मतलब कि ऐसे कई सारे फाइनेंशियल सर्विसेज यह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो यही सब सोर्सेज हैं जहां से हीरो रेवेन्यू जनरेट करता है और यही सब इनके बिजनेसेस भी हैं, जिसकी मदद से साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड ने लगभग 32,517 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। तो अगर आप हीरो की हिस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।